आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर पाए होंगे और नहीं कर पाए तो देखिए कहाँ कमी रह गई और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है इसमें कि एक लड़का एक भवन की चोटी पे एक ऑन द टॉप ऑफ है वो एक बंदा बिल्डिंग की टॉप में है और वो एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, बॉल को वो ड्रॉप कर रहा है, वो शीर्ष से मतलब टॉप से नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की है, मतलब कि इसके टॉप से यहाँ 10 मीटर नीचे एक खिड़की है और इस खिड़की की जो ऊंचाई है वो है आपकी 2 मीटर, दिख रहा है आपको। तो ये 10 मीटर एक बॉल ड्रॉप कर रहा है एक बंदा यहाँ से, इसको वो छोड़ रहा है, ठीक है। 10 मीटर नीचे एक खिड़की है, ये रही खिड़की और ये खिड़की कितनी हाइट की है, 2 मीटर की है। अब हमको ये बताना है कि ये जो इसको हमने जब ये बॉल इस खिड़की से होके गुजरेगी, मतलब ये बॉल छोड़ी हमने, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी और ये पॉइंट था आपका सी। तो जब बी से इसका मोशन इस प्रकार से हो रहा है, अब बी से सी तक आने में उसको कितना समय वो लेगी और हमको ऑप्शन है 1.41 और 0.13 और 0.3 और 0.6। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ जाइए कि एक पर्सन है, एक बंदा है, वो बिल्डिंग के टॉप पर है, एक बॉल को वो छोड़ रहा है, उस टॉप से 10 मीटर के नीचे एक बिल्डिंग एक खिड़की है, एक विंडो है जिसकी हाइट है 2 मीटर। अब हमको ये बताना है कि वो 2 मीटर की जो खिड़की है उसको पार करने में कितना समय लगाएगी। अगर आपने पहले क्वेश्चन को समझा नहीं होगा तो एक बार समझ लीजिए फिर से और मैं फिर मौका देता हूँ वीडियो को पॉज करके एक बार खुद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अब आप देखें कि किस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझिए कि इसमें हम कौन सी इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं जो हमें हमारे मतलब की है, वो होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी इक्वेशन हम देख रहे हैं, हमारे पास में 3 इक्वेशन है, फिर से रिपीट करता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन में ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो गिवन डेटा से मैच हो रही है, वो है आपकी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, खिड़की की हाइट दे रखी है, टाइम की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली हम लोग निश्चित तौर पर यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये देखें आप, जब हम बॉल को छोड़ते हैं, मतलब आप इस पॉइंट किसी भी पॉइंट की मैं एक बार बात करता हूँ मैं, ठीक है, मान लीजिए इस कोई भी पॉइंट डी की मैं बात कर रहा हूँ जैसे, तो यहाँ पे एस क्या है, मान लीजिए इसकी हाइट है एच है, तो एस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस एच लिखेंगे और यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने बॉल को छोड़ा है, क्या बोला है हमने, बॉल को ड्रॉप किया है, छोड़ा है, ठीक है, तो यू की वेलोसिटी है, यू की वैल्यू है 0। अब ये पूरी चीज 0 हो गई, माइनस हाफ, माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि ए क्या है आपका 9.8 है, जी है, तो इसको ये निजी डायरेक्शन में लगता है हमेशा, इसलिए माइनस जी लिखा इंटू टी स्क्वायर लिखा। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी पॉइंट है आपका डी जिसकी हाइट रहेगी एच, तो वहां पे इक्वेशन जो सॉल्व रहेगी, जो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, मतलब जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 2h बटा जी आएगी, ठीक है। अब यहां पे सॉरी रूट ऑफ 2h बटा जी। यहां पे मैं एक चीज और आपको बताऊं, एक चीज और ध्यान दूं मैं आपको कि देखे बच्चों, जी की वैल्यू जो है 9.8 हम रखते हैं, तो 9.8 में एक खास बात यह है कि जो 49 इंटू 2 करते हैं अपन, तो 49 जो है रूट उसका निकालना आसान रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये 10 हो गया और 2 और 98 को काटता हूँ, तो कितना हो गया मेरा 49 हो गया। तो t इज इक्वल टू, जनरल बात कर रहा हूँ, रूट 10h, ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, मतलब 1/7 रूट ऑफ 10h। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ,
इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इन बातों को ध्यान रखेंगे तो जब एग्जाम टाइम में आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब दिमाग ठनक जाता है, जब रूट की आपको करना पड़ रहा है और उसमें आपको काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी कन्फ्यूज हो रहे हो, तो इसलिए मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पर लेते हुए चल रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि टी इक्वल टू ये आ गया आपका। अब बी पॉइंट पे टाइम लगा टी बी, कितना लगा आपका 1/7 टेन, हाइट कितनी है 10 है, 100, तो कितना हो गया ये 10/7, रूट ऑफ 100 क्या होता है 10/7 होता है, जानते हैं आप सभी। टी जब सी पे पहुंचेगा तो 1/7 टेन इंटू, अभी हाइट कितनी हो गई 10 और 2, यहां से हम ले रहे हैं ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो गई 12, यानी कि 120 हो गई। अब यहां पे देखो दोस्तों, हम एक काम करते हैं, 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 121, तो 120 और 121 पास पास में ही, अगर इसको 11 लिखता हूं, राउंड ऑफ करता हूं, तो 11/7 इसको लिख सकता हूं मैं ठीक है दोस्तों। जो टाइम जो बी पहुंचने पे लगा रही है वो इतना है, टाइम जो सी पहुंचने में लगा रही है वो इतना है, जब ये खिड़की को पार करेगा वो जो टाइम क्या होगा, वो होगा टी बी माइनस टी सी होगा, तो क्या आएगा 11 - 10/7, यानी कि 1/7, और 1/7 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1/7 को जो हम डिवाइड करेंगे तो आएगा पॉइंट, फिर आपका 1 आ गया, फिर आपका 30 मतलब 4 आ गया, तो 0.14 करीब हमारा आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर ये होगा 0.13। और ये 0.14 से जस्ट कम क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा होशियारी मारी थी, 120 था उसको हमने 121 ले लिया था, तो पर जो भी बात है, कहने का मतलब ये है कि हम अपने आंसर पे लगभग लगभग पहुंचे, क्या है वो आंसर 0.13। अब यहाँ पे जो है डिफर चीज हल्की सी कर सकती है, क्यों, क्योंकि कई बार जी को 9.8 लेते हैं, कई बार इसको हम लोग 10 भी ले सकते हैं, पर इस बात को आपको ध्यान रखना होगा किस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको आप थोड़ा गौर फरमाइए, एक बार खुद कॉपी पेन से खुद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर पे पहुंचिए, तो आंसर आपका 0.13 करीब होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को टिक किया है वो ऑप्शन आपका सही है, तो समझिए किस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए सॉल्व किया और किस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट को लगाया, किस प्रकार से इक्वेशन को लगाया वो हमने यहाँ पे समझा, कि हमने एक जनरल बात की कि पॉइंट डी पर एच इज इक्वल टू 1/2 gt² है, टी इज इक्वल टू जो है आपका √10h/7 है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। फिर टी बी पर कितना होगा, टी सी पर कितना होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हम आ जाएगा हमारा आंसर 0.13 के करीब।